काटे गए हैं ताकि ताकि जो दुकानदार हैं उनके जो ग्राहक हैं वो कचरा सिर्फ डस्टबिन में फेंकें। और हमने सूखे कचरे के लिए ब्लू डस्टबिन दिए हैं, सबसे रिक्वेस्ट की है उसी में ही फेंकें। और दूसरी चीज़ है जो ऑटो आता है सुबह गार्बेज कलेक्शन के लिए उसी में ही उसको खाली करें। अगर ऐसे ही हम धीरे धीरे एक एक कदम लेके आगे बढ़ पाएंगे, लोगों को समझा पाएंगे, तभी जम्मू एक स्वच्छ और सुंदर शहर बन पाएगा। अभी तक कितनी वार्ड में आप डस्टबिन बांट चुके हैं? अभी तक वार्ड का जो एग्जैक्ट नंबर है 13 वार्ड में हमने डस्टबिन बांटे हैं। हम सबसे पहले कमर्शियल एरियाज में बांट रहे हैं क्योंकि वेस्ट जनरेशन कमर्शियल एरियाज में सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। थैंक यू। नमस्कार, अमित गुप्ता, कॉर्पोरेटर वार्ड नंबर 90। आज हमने डस्टबिन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं हर शॉप कीपर को कि अपना जो भी कचरा है अपने डस्टबिन में डालिए और अपने वार्ड को स्मार्ट और जम्मू को स्मार्ट बनाने के लिए जब तक आम जनता हमारा साथ देगी तो हम और जम्मू को स्मार्ट बनाएंगे। यही अपने एसोसिएशन मार्केट के जितने लोगों से अपील करते हैं और अपने वार्ड के लोगों से अपील करते हैं, जम्मू की जनता से अपील करते हैं कि आप अपना जितना भी कचरा डस्टबिन डालिए और गाड़ियां लगी हैं उसमें डालिए, गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग। और आज पूरा डिपार्टमेंट हमारे साथ है, जितना भी जम्मू मुंसिपल कॉर्पोरेशन अपनी लवासा जी है, हमारी सेंट्री टीना महाजन जी हैं और एसओ सेंट्री सुपरवाइजर सब हमारे साथ हैं, पूरी टीम जम्मू मुंसिपल कॉर्पोरेशन वार्ड नंबर 90 में ये डस्टबिन डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है।